Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number 109, and we are going to talk about that either you are ethical or unethical. This is a controversial context in which we try that understand karne ki karte hai ke what people think about themselves. Either they are taken up as ethical or unethical because nobody would like to call themselves as unethical. उस पर्सपेक्टिव में व्हेन दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड दैट आइदर यू आर एथिकल मैनेजर सो 99% ऑफ द टाइम और परहैप्स 100% ऑफ द टाइम पीपल वुड ऑलवेज से यस ऑफ कोर्स बिकॉज़ कोई भी अपनी डेफिशिएंसीज कोई भी अपने अनएथिकल कंडक्ट को वो पब्लिक नहीं करना चाहता लेकिन ये कहना तो बहुत इजी होगा कि यू आर एथिकल मैनेजर इसका अंदाजा हमें तब होगा कि जब आप यह डेमोन्स्ट्रेट कर पाओ कि कब कहां क्यों कैसे आपने एथिकल कंडक्ट वो दिया कहा पर आपकी डेमोन्स्ट्रेशन जो थी इट वॉज टेकन अप एज एथिकल और उसको एवेल्युएट करने वाले लोग कौन थे लाइकवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंट के समटाइम्स हमारे डिसीजन आर मोस्टली बेस्ड अपॉन अवर एजन अबाउट अस कि हम अपने बारे में क्या गर्दानते हैं हम अपने बारे में क्या समझते हैं हमारे फैसले इस चीज पर मुनसर वो हो रहे होते हैं और हमारी एजम्पन अपने बारे में हमेशा यही होती हैं कि जैसे हम एथिकल हों बिकॉज हमारे पास बहुत से काम करने के लिए जस्टिफिकेशन होंगी बहुत से कामों को करने के लिए एक्सप्लेनेशन होंगी जो कि हमने अपने ताई वो क्रिएट कर रखी होंगी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू इन माइंड कि जब हमारा क्लैश किसी के साथ आए जब हमारा कंफ्लिक्ट किसी के साथ आए तो तब अंदाजा होता है कि हमारा कंडक्ट सही था या हमारा कंडक्ट सही नहीं था देयरफॉर हमें यह बात भी सोचनी पड़ेगी कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे कंफ्लिक हमारे क्लैश कब कहां क्यों कैसे किसके साथ वो हो रहे हैं और उसकी वैल्यूएशन के दौरान हु इज द पर्सन टू डिसाइड दैट आइदर अवर कंडक्ट वॉज राइट और रॉन्ग एनदर इंपॉर्टेंट थिंग हुज बेस्ट इंटरेस्ट एक्चुअली वी आर सर्विंग हम आखिर काम किसके लिए कर रहे हैं अपनी जात के लिए अपने घर के लिए अपने जॉब के लिए या एक जनरल पब्लिक और कम्युनिटी के लिए बिकॉज इन द ऑफ फोर वे देन्स हमारी लाइफ का जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है दैट इज बेसिकली अवर सेल्फ अवर होम अवर प्रोफेशन एंड अवर कम्युनिटी और हमें यह देखना होगा कि हम वहां पर किसकी जरूरत को सर्व करने के लिए मौजूद हैं बिकॉज दैट इज गोइंग टू ऑल्सो डिटरमेन दैट आइदर वी आर गोइंग टू बी एथिकल और अनएथिकल क्या हमने एक्सपेक्टेशन मीट की क्या हमने प्रोरिटीज को प्रॉपरली एनालाइज किया तो ये तमाम चीजें मिलजुल इस बात का हमें इशारा देंगी कि आया वी आर एथिकल और वी आर नॉट एथिकल इन अवर कंडक्ट विद द स्टेक होल्डर्स सो इफ यू आर एन एथिकल मैनेजर उसकी वैल्यूएशन के लिए देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी हैव टू बियर इन माइंड फॉर एग्जाम्पल वी हार्बर मेनी अनकॉन्शियस प्रोसेस इन आर माइंड

लाइकवाइज जब हम एथिकल कंसिडरेशन में बात करेंगे तो वी हैव टू सी कि जब हम दूसरों के साथ कोलेबोरेट कर रहे हैं तो क्या हमने वो कोलेबोरेशन उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक की उनकी जरूरत के मुताबिक की कि हमने सिर्फ ये चीज विजुअलाइज की कि मेरे सेल्फ इंटरेस्ट वो कहां पर फुलफिल होते होंगे लाइक जब हम एथिकल कंसिडरेशन की बात करते हैं तो हमें टीम की परफॉर्मेंस को भी देखना है दूसरों के साथ मिलकर जब हम काम कर रहे हैं तो उनकी जरूरिया क्या है उनके एहसास महसूस क्या है और उनको किस किस्म की कोपोरेशन की जरूरत है सो so, हमें इस बात को को सोचना पड़ेगा कि हमारी बायसेस कहीं उस टीम एफर्ट कंप्रोमाइज ना कर दें लाइकवाइज वी ऑल्सो नीड टू सी कि कहीं हमारा जो एटीट्यूड है हमारा जो कंसर्न है वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉ सूट की तरफ ना ले जाए कहीं हम अपने तो जस्टिफाइड हों लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट रूम का एनवायरमेंट वो देखना पड़ जाए Therefore, हमें बहुत क्रिटिकली अपने फैसलों को अपने ए, एक दूसरे के साथ रेलुक को ताल्लुक को को वो विजुअलाइज करना चाहिए अब इसका सोल्यूशन क्या है जानने के लिए कि आया आर एथिकल और अनएथिकल द फर्स्ट थिंग योर ऑथर एडवाइजेस इज रेगुलरली फैसलों को एक मैरिट पर परखें और वो मैरिट आपका स्टेब्लिश और शेयर्ड और कम्युनिकेटेड वो होना चाहिए ताकि अगर आपके कहीं किसी फैसले में लूप होल है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए सेकेंडली एक्सपोज योर सेल्फ टू नॉन सी टाइपिकल इन्वायरमेंट जिसमें ना हो जिसमें के जजमेंटल शॉर्टकट्स ना हो चाहे आप जुज को देखकर कुल पर फैसला कर रहे हो या कुल को देखकर जुज पर फैसला कर रहे हो दोनों सूरतों में आप ह्यूरिस्टिक्स का शिकार हो जाओगे आप जजमेंटल शॉर्टकट्स को यूज करोगे तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम ऐसी इन्वायरमेंट को तश्कील दें कि जिसमें स्टीरियोटाइप कंसिडरेशन वो ना हो एनदर इंपोर्टेंट थिंग इज कि हमें कंसिडर करना पड़ेगा अपने काउंटर इंटिव ऑप्शन को कि हमारे सिक्स सेंस हमारी गट फीलिंग जो हमें चीजें बता रही हैं क्या वो चीजें लॉजिक और रीजन के तहत भी मानी जाती हैं क्या उसके पास हमारे क्या हमारे पास उसके हवाले से कोई एक्सप्लेनेशन वो मौजूद है अगर हमारे पास एक्सप्लेन नहीं है तो वो काउंटर इंटिव थिंकिंग हमें decisions की तरफ लेकर जा भी सकती है और रोक भी सकती है इस बात का फैसला हमें अपने audit से वो करना होगा। रिमेंबर को एथिकल कंसिडर कर रहे हैं तो हमें उस चीज को प्रूफ भी करना पड़ेगा कि हमने किन कंसिडरेशन को मद्देनजर रखकर अपने आप को एथिकल काउंट वो किया डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो अपने आप को जस्टिफाई कर लेना तो बहुत आसान है अपने आप को एथिकल कह देना तो बहुत आसान है लेकिन इसको एक्चुअली प्रूव करना इज बिट डिफिकल्ट और वो तभी प्रूव हो पाएगा जब हम रीजन लॉजिक और दूसरों के व्यू पॉइंट को मद्देनजर रखकर एक फैसला वो करें थैंक यू